मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद सुगबुगा हट तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी में जारी बैठकों के दौर के बाद अब जल्द ही प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जाएंगे। इस बात के संकेत प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने मंगलवार को दिए हैं। मीडिया से चर्चा करते हुए विष्णुदत्त शर्मा ने कहा है कि चुनाव की तैयारियां भाजपा में जोर शोर पर चल रही है। उन्होंने कहा कि प्रबंधन का काम लगातार बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है और कार्यकर्ता अपने कार्यों में जुटे हुए हैं। प्रत्याशियों का चयन जल्द ही हो जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव की तैयारियां जोर शोरों पर और हमारा जो प्रबंधन का काम है वो लगातार बहुत अच्छे तरीके से सभी कार्यकर्ता अपने काम में जुटे हैं। प्रत्याशी चयन भी जल्दी ही हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है पार्लियामेंट बोर्ड तय करता है, इसलिए जल्दी ही निर्णय होकर के प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, जो यहाँ की प्रोसेसें पूरी हो गई हैं, पार्लियामेंट बोर्ड जल्दी ही उस पर निर्णय लेकर के प्रत्याशी घोषित होगा। कांग्रेस को तो जो करना है वो करे, क्योंकि उनके घोषणा पत्र मिथ्या पत्र साबित हो चुके हैं मध्य प्रदेश के अंदर। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से उन्होंने घोषणाएं की थी, जो 15 महीने की गलती से सरकार घोषणाओं के कारण से बनी थी, तो घोषणाओं पर जमीन पर उतारने का काम न कांग्रेस ने कभी किया, झूठ और छल कपट की राजनीति की, तो उनके घोषणा पत्रों को कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों के जीवन को बदलने का काम, गरीब कल्याण का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हो रहा है। इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में